जब सर रामलीला हुई है ना, तो इन्होंने दशहरे की आड़ में कि दशहरा हमारा, तो यहाँ पर ना पार्क में लकड़ी का मंच लगता है, जो भी प्रोग्राम करता आपने, तो इन्होंने लकड़ी का मंच ना लगा के इसमें चौतरा बनाया ग्राउंड के अंदर। उसमें हम सब ने, जो लोग जिनके घर हैं, सब ने इनको मना करा। ये बात थाने तलक पहुँच गई। ACP साहब की अगुवाई में लिखत में कभी मतलब कर ले दो, हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको तोड़वाएंगे। इन्होंने नहीं तोड़वाया। उसके दो तीन दिन बाद ही दशहरे के ईद थी हम लोगों की, बकरा ईद। तो बकरा ईद वाले दिन क्या हुआ, सुबह ही साका वाले आ गए, साका लगा रहे थे। सब इंतजार करते रहे कि भैया इसे हटा लो हटा लो, टाइम हो रहा है ईद का। तो राधे श्याम तिवारी, आनंद त्रिवेदी, एक सुहास नाई है, एक हमारे यहाँ BJP के नेता वो हारे हुए हैं, डॉक्टर गुप्ता, अनिल गुप्ता नाम है उनका, एक डॉक्टर वो हैं अनिल पत्थर वाले, ये 5-7 आदमी हैं जो लंकुश कमेटी के मेंबर हैं। इन्होंने क्या काम करा, वहाँ जो शाखा लगाई तो सब बोले कि भाई हटा लो, तो शाखा को हटाया नहीं, वहाँ से झंडा उखाल कर जो इमाम नमाज पढ़ते हैं तो उसमें सब में झंडा गाड़ कर राधे श्याम तिवारी लेट गए। पुलिस वाले मौजूद थे, उन्होंने हटाया, लेके इन्हें चले गए। नमाज हुई, नमाज यहाँ नमाजी नमाज पढ़ते रहे। इन्होंने 8 आदमियों पर ऐसों पर मुकदमा लगाया, जो झगड़ा भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। जो मौजूद लोग हैं जिम्मेदार हैं यहाँ पे, थे भी नहीं, एक मास्टर मजहर हैं और वो है नबी हसन भाई हैं, एक हाफिज जी हैं, उनको मतलब लगा दिया मुकदमा। उसके बाद तनाव चलता रहा, हम सब जगह गए, सबसे रिक्वेस्ट किया हमने, थाने भी गए, एप्लीकेशन भी लगाई हैं हमने DCP साहब के यहाँ भी। उसके बाद ये चलता रहा, इन्होंने 81 की शिवरात्रि की पूजा की रात को, तो उसमें खीर बनाई। रात को 2 बजे तक यहाँ पुलिस रही, पुलिस वाले कम से कम होंगे कई हजार आदमी था, सबकी छतों पर खड़े हुए थे पुलिस वाले। बड़ा तनाव, पूरी हमारी कॉलोनी में उस दिन इतना तनाव रहा, बहुत परेशान सब। उस मामले को हमने फिर आगे बताया सबको, अफसरान को भी बताया कि भी ऐसा हुआ, अफसर तो थे ही, सबको बताती। लेकिन उसके बाद ये चलता रहा, तनाव पूरा रहा। ये RSS वाले सुबह मॉर्निंग में आ जाते हैं यहाँ, 5:30 बजे से उचला देते हैं। जी सर, उस दिन जब यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि बाबरी मस्जिद के लिए मुल्ला मुलायम ने मतलब इतने जोर लगाए वहाँ पर कि वहाँ पर कुछ ना हो, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ ये तो सभी को पता है, सब जानते हैं, इससे कोई वो नहीं है। और ये कह रहे थे कि अब हमारा हिंदुस्तान भागो मुल्ला पाकिस्तान। इनके घर नहीं है यहाँ RSS वालों के, सारे बाहर के हैं, घर इतनी दूर दूर, कहीं कोई करावलगर का, कोई वहाँ का है, कोई कहीं का, सोनिया बिहार का, और यहाँ जो है सारे मोमडन, सबके घर मोमडन हो के, कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी का एक का भी घर मतलब RSS वालों का हो। और हमारी लड़ाई कोई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, हम बड़े प्यार से रहते हैं, हमारी लड़ाई सिर्फ साका की, उनकी हरकतों से हमें परेशानी साका की। ये एक बात बताओ, बतेरी जगह पड़ी है, कोई यही जगह थोड़ी है, एक छोटी सी जगह हमारी घूमने की, हम औरतें घूमते थे इसमें। एक दिन अभी पीछे ऐसा हुआ, पिछले अभी जाड़ों में जनवरी में, इधर औरतें घूम रही, इधर RSS की साका लग रही, उसकी वीडियो बना रहे पुलिस वाले हमारी औरतों की, हमारे पास हैं वो भी वीडियो बना रहे, हमने वो भी जाना बंद कर दिया, कभी हम मत जाओ, अपने घर में बैठे हैं आराम से। अब सुबह ये आते हैं और सुबह बस सबकी नींद खराब करी, अब चले गए। बताओ हम कहाँ जाएं, हमारे तो मकान है। लेकिन ये आप, हम कई जगह चले भी हैं लेकिन कहीं कुछ हो नहीं रहा, पुलिस साथ में इनका प्रोटेक्ट कर रही है इसको। आम आदमी का नुमाइंदा यहाँ विधायक कपिल मिश्रा को चुन के पब्लिक ने भेजा है, लेकिन उसको अगर बोलते हैं तो वो हाँ हाँ तो कह देता है। कभी इस मामले में उसने दोनों पक्षों को बैठा कर कोई समझौता कराने की कोशिश नहीं की, हमसे तो कह देता है कि आप लोग जाइएगा, मैं इस काम को देख लूँगा, और वो भी कुछ मतलब हमारे फेवर की कभी बात नहीं करता। वो आते हैं तो मतलब बाथरूम करते हैं, बाथरूम आते के साथ खुले में मतलब बाथरूम कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक आदमी को लिटाएंगे, जो ट्रेनिंग जो देते हैं ये लोग उनको, लड़कों को, तो इस तरीके की हरकत करते, एक के ऊपर एक चढ़ गया, खड़े होकर डंडा दिखाएंगे, एक को लिटा लेंगे, फिर उस पर डंडे बजाएंगे, फिर पूरे ग्राउंड का घुड़दम काटेंगे इतनी जोर से कि नींद जो सबकी खुल गई। उसके बाद क्या सर, के लड़कियां जाती हैं हमारी स्कूल को, ये लड़कियों ने सबने अपनी अपनी लड़की, काफ़ी लड़की जो जवान है उनको रोक लिया स्कूल जाने थे इनकी हरकत के ऊपर।
ये लोग जब सुबह मॉर्निंग में यहाँ कूद आए तो देखो कोई भी नहीं चाहता कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजें, डर है, दहशत बैठी हुई है हम लोगों को। अब मेरा क्या, मेरा तो घर है सबको ही दहशत बैठी हुई है सर इतनी, तो कोई अपने लड़कियों को नहीं भेजता। दूसरी क्या है कि ये लोग इतना दबाव बना रहे हैं हमारे ऊपर, इतनी यहाँ इन्होंने वो कर रखी है कि किसी तरीके से यहाँ झगड़ा होता है। 10 दिन रामलीला होती है, रात को 12-12 बजे तक रामलीला का वो स्पीकर चलता, हमें नींद भी नहीं आती इतनी, बड़े परेशान हैं हम भी तो झेलते हैं। बताओ कोई आज तक कोई एप्लीकेशन किसी मुस्लिम ने लगाई हो, कोई ऑब्जेक्शन उठाया हो, कोऑपरेट करते हैं, रामलीला में कुछ चंदा देते हैं। तो हम लोग यहाँ बहुत परेशान हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हिंदू मुस्लिम राइट होने का जो कारण है, अगर यहाँ कभी हुआ भाई देवे तो उसकी जिम्मेदार सारी की सारी आरएसएस की ये शाखा होगी। हम ये चाहते हैं कि यहाँ झगड़ा ना हो, कोई भी किसी भी धार्मिक कोई काम हो नहीं इसमें ग्राउंड में बिल्कुल भी। हम सकून चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत सराहा।